हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज के इस नए वीडियो सीरीज में हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। बीसी फर्स्ट सेमेस्टर में जितना वीडियो कम्युनिकेशन का है, मैं उसको यूनिट वाइज उसका वीडियो मैं डालूंगा। तो आज हम यूनिट वन देखेंगे कंप्लीट। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है कम्युनिकेशन के बारे में, तो सिंपल हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जैसे कम्युनिकेशन जो वर्ड है हमारा कहाँ से आया है, तो कम्युनिकेशन जो वर्ड हमारा है वो लैटिन वर्ड है कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है शेयर करना, कुछ भी शेयर करना। तो वैसे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से। कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि किसी पर्सन से बात करना या किसी ग्रुप में अपनी बात को रखना। बात को जब हम रखते हैं तो क्या करते हैं, अपना थॉट रखते हैं, अपना आइडिया रखते हैं, या जो हमारा क्वेश्चन होता है हम उसको रखते हैं, या जो हम कोई सामने वाला क्वेश्चन किया उसका आंसर देते हैं। तो इसमें हो गया हमारा आइडियाज़ हो गए, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, हमारा ओपिनियन क्या है, फैक्ट है, कुछ डेटा हम बताना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सब सारा कम्युनिकेशन के अंडर ही आएगा। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम इसको शेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये दो और दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, पहला तो इसमें एक पर्सन है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या हो गया कि जो मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अब आप सुन रहे हैं बैठ के, तो मैं सेंडर हो गया। एनकोडिंग का मतलब क्या है, एनकोडिंग का मतलब ये हो गया कि जो मैं सिंबल साइन बॉडी जेस्चर यूज़ कर रहा हूँ अपने इस कम्युनिकेशन में, उसको एनकोडिंग बोलेंगे। चैनल क्या हो गया कि मीडियम, किस चैनल के द्वारा मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो चैनल क्या हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या हो जाएगा कि जो मैंने बताया है आपको, सिंबल वगैरह यूज़ किया है, उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, वो चीज़ें डिकोडिंग हो गई। फिर रिसीवर कौन है, रिसीवर आप है। जैसे आप अभी रिसीव कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो रिसीवर हो गए आप। फीडबैक क्या हो जाएगा, फीडबैक क्या होगा कि आपको, आप सामने वाले को जब सुन चुके, सुनने के बाद उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोई डाउट पूछेंगे, अपना कुछ अपना थॉट रख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा आपका, ठीक है। और नॉइज़ एक आता है बीच में इसके। नॉइज़ क्या है, ये थ्रू आउट द चैनल चलता है, पूरे प्रोसेस में नॉइज़ चलता रहता है। नॉइज़ भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम कोई दो आपस में बात करें, पीछे से कोई तीसरा आकर डिस्टर्ब कर दे, कोई मशीन चल रही है उसकी आवाज़ आए, ये सारे क्या होंगे, नॉइज़ होंगे। एक एक चीज़ देखो, यही फिर से लिखा गया। सेंडर क्या हो गया कि जैसे क्या है कि अगर कोई हम एडवर्टाइज देख रहे हैं यूट्यूब पे, हम अपना वीडियो चलाते हैं उस पर एडवर्टाइज आता है, तो ऐड एजेंसी है ना, वो क्या कर रही है, एडवर्टाइज चलाती है, बीच में ऐड आ गया, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है क्या है अपना, वो ऐड चलाते हैं, तो हम देखते हैं ना उनका एडवर्टाइज, तो क्या हो गया, वो सेंडर हो गया, ठीक है। फिर एनकोडर क्या हो गया कि जो भी हमारा आइडिया है उनको वर्ड्स में या पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये हमारा एनकोडिंग हो गया। मैसेज क्या हो गया, चैनल क्या हो गया, चैनल का मतलब कि जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इन स्टोर डिस्प्ले, जैसे स्टेशन पे देखो डिस्प्ले लगा रहता है, उसमें आता है एडवर्टाइज़ करते हैं, गाड़ियों की आने जाने की जो जानकारी रहती है, ट्रेन की उनकी हम देखते हैं, ठीक है। रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, जो होर्डिंग लगे रहते हैं रोड के किनारे, ये सब क्या है, एक तरीके के मैसेज ही तो है ना, मतलब चैनल है। उसी के थ्रू, चैनल के थ्रू मतलब उसके उस साधन का प्रयोग करके हम अपना मैसेज डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। डिकोड क्या करना है, इंटरप्रेट द मैसेज, मतलब जो भी मैसेज है उसको समझना। जैसे हम रोड के किनारे लिखा रहता है इस तरीके का, जैसे यू टर्न लिखा रहता है, ऐसे सिंबल बना रहता है, मतलब यहाँ से यू टर्न लेना है, उसको क्या करते हैं, ये इनकोडेड है, इसको हम डिकोड कर लेते हैं कि इधर से यू टर्न ले सकते हैं। कहीं ऐसे यू टर्न लिख के ऐसे काटा रहता है, क्रॉस किया रहता है, मतलब यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है हमें, ऐसा रहता है ना, राइट के लिए इधर रहता है, लेफ्ट के लिए इधर सिंबल बना रहता है, ये सब क्या है, हमारे एनकोडेड मैसेज रहते हैं जिसको डिकोड करते हैं हम समझ लेते हैं। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर मतलब कस्टमर, कंज्यूमर, एडवर्टाइज जो कर रहा है कंपनी, और देख कौन रहा है, कंज्यूमर कस्टमर देख रहे हैं। इसे फीडबैक क्या हो गया, फीडबैक किसके थ्रू आता है, रिसीवर से, सेंडर, रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। नॉइज क्या हो गया, जैसे फ्रेंड्स हैं, अदर एडवर्टाइज, जैसे हम कुछ मूवी देख रहे हैं उसमें बीच में एडवर्टाइज आ गया, क्या एक तरीके का नॉइज ही है ना वो, ठीक है। और जैसे बताया अभी कि मशीन कुछ पीछे आवाज़ कर रही है, कोई पीछे बात कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया, सब नॉइज हो गया। उसके बाद आता है फंक्शंस आते हैं कि इसका, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या हो गए, फर्स्ट हमारा है इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज अबाउट जॉब फंक्शंस। मतलब क्या हो गया कि जैसे कहीं भी आप काम करने जाओगे तो पहले आपको समझाया जाता है कि इस जहाँ जिस मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करने गए, तो आपको बताया जाएगा कि आपकी कंपनी का हमारा उद्देश्य क्या है, कंपनी का हमारा गोल क्या रहता है, हम क्या करना चाहते हैं। उसके बाद कंपनी का जैसे कुछ रूल होता है कि आपका मतलब जो आप जॉब करने गए, जो आपकी पोस्ट मिली है, आपका क्या जॉब है, आपको मतलब आपकी जो आपको क्या करना है कंपनी में, ये बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीटिंग हो सकता है करवा दें आपको, जैसे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ उनके बीच मीटिंग कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आपको देखिए
हमारे बीच में नए आए हैं, नए ज्वाइनिंग किए हैं, इनका ये रोल है, ये इस पोस्ट पे काम करेंगे। जैसे कॉलेज में होता है कि टीचर है, तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर वहाँ पढ़ाने जाता है तो उसे बताया जाता है कि आपको ये क्लास लेना है, आपको ऐसे करना है, इन बच्चों को देखना है, ऐसे कंट्रोल रखना है, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब जो उसका रोल है उसको समझाया जाता है। कैसे, किसके थ्रू समझाया जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। बिना कम्युनिकेशन के हम समझा नहीं सकते हैं। फिर सेकेंड पे आता है पर्सुएड क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स। पर्सुएड का मतलब होता है समझाना, या मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, लालच देना एक तरीके से। जैसे एडवर्टाइज होता है ना, एडवर्टाइज में क्या करते हैं, वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स का ऐड आता है, ये फिर गोरे होने के लिए क्रीम वगैरह, और ये दुनिया भर का फेस वाश कॉस्मेटिक्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि 10 दिन पहले ये था, 10 दिन के बाद ये ऐसा चेहरा ऐसा हो गया। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कस्टमर को, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि उसको मतलब कस्टमर जो है कि एडवर्टाइज हमारा देखें और हमारा प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है। तो वो उसमें सक्सेस भी होते हैं। ये किस में आता है, हमारे पर्सुएड क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स आता है। पार्टनर्स का मतलब हो गया कि किसी के थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमारा एक बड़ा बिजनेस है, हम सोच रहे हैं कि हम किसी और को साथ में रख लें बीच में, किसी और को बीच में पार्टनर बनाएं, तो उसको भी हम बताएंगे ना कि चीज़ों को कैसे सामने वाले को डील करना है, कैसे समझाना है, क्या करना है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू हो सकता है, जैसे डे टू इसको समझाने के लिए क्या हो सकता है, जैसे हम समझाने के लिए टेलीफोन द्वारा हम कर सकते हैं ये चीज़ें, ईमेल से कर सकते हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइज आता है, होर्डिंग से कर सकते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, सब क्या हो गए, कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसकी एक मैगजीन निकाल दिए प्रोडक्ट के बारे में अपने, इसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। फिर थर्ड पैदा मोटिवेट एम्प्लाइज टू मेक बेटर डिसीजन। क्या होता है कि जैसे कि जब मान लीजिए जब हम काम एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, वो बढ़िया काम किया, तो उसको क्या करना होता है, मोटिवेशन देते हैं। जैसे इस फिगर को आप देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये कोई टास्क मिला है, इसको डे टू डे टास्क मिला है, तो एक दिन का टास्क किया तो इसको मोटिवेट किया, मतलब शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, ठीक है। मोटिवेशन भी ज़रूरी है। मोटिवेशन किसके थ्रू देंगे, हम कम्युनिकेशन के थ्रू देंगे। तो इससे क्या होता है, सामने वाला का जो है कि मोरल बूस्ट होता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है अपना, ठीक है। और एक इसमें तो दो चीज़ें हो जाएंगी, जैसे एक हो गया डे टू डे कि एक दिन में क्या काम किए, फिर होता है लॉन्ग टर्म गोल। जैसे अभी आपका सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो एक तो ये होगा कि सेशनल एग्जाम होगा या यूनिट टेस्ट हो रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, मेन गोल क्या है, सेमेस्टर का सेमेस्टर एग्जाम पास करना, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है हमारा सोशलाइज टू क्रिएट ब्रांड्स, क्रिएट बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि साथ में हम जब काम कर रहे होते हैं, अभी जैसे टीचर आपके सामने बैठा है पढ़ा रहा है, तो आप लोग क्या होते हैं, फॉर्मल तरीके से बैठ के अपना पढ़ रहे होते हैं। जैसे टीचर चला गया तो उसमें क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं एक दूसरे के, मतलब करियर को लेके या उसमें मतलब परिवार को लेके, आपस में दोस्तों के घूमने टहलने को लेके, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना है, कल कॉलेज आना है कि नहीं आना है, ये सब क्या होता है। इसी तरीके से इंसान सोशलाइज होता है ना, पहले दिन जैसे कॉलेज आते हैं तो बस चुपचाप बैठ रहते हैं, धीरे धीरे हमारे दोस्त बनते हैं, फिर हम बातचीत करने लगते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करेंगे तभी तो हम सोशलाइज होंगे, तभी एक दूसरे को जानेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ये पॉइंट इसमें आता है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या, किस लिए यूज करते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है। पहला हमारा टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की जानकारी की अदला बदली करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। टू डेवलप प्लान्स, अगर कोई प्लान बनाना है तो बिना कम्युनिकेशन किए, बिना बातचीत किए तो हम प्लान नहीं बना सकते हैं ना। जब भी हम प्लान बनाएंगे दो लोगों के लिए, चार लोगों के लिए, तो उनको इंक्लूड करेंगे, साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर प्लान हम बनाएंगे। फिर आता है टू इम्प्लीमेंट द प्लान, अब वो प्लान बन चुका है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करना है। जब उस प्लान को लागू करने जाएंगे तभी भी तो हम बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तभी तो हम लागू कर पाएंगे। फिर हमारा फोर्थ पैदा है टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मेशन, अगर कोई पॉलिसी बनाना है हमें, मान लीजिए जैसे कॉलेज में है कोई नया रूल बना है, जैसे टीचर क्या किए कि उसमें मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में सबसे राय लेंगे कि ये रूल बना रहे हैं, ये ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा हम चेंज करना चाहते हैं, ऐसा हम रूल बनाना चाहते हैं, या कोई कंपनी अपनी पॉलिसी बनाती है उसका डॉक्यूमेंटेशन करती है, तो बिना कम्युनिकेट किए तो नहीं बना सकती है ना, उसमें भी कम्युनिकेशन का यूज होता है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज चाहती है कि उसका गोल क्या है कि हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ें और ज़्यादा बच्चे नौकरी करें, हमारे यहाँ का बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉपर हो, तो ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। इस गोल को बनाने के लिए, गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिना कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर हमारा सिक्स्थ पे है रिसोर्स टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होगा, जैसे एक कंपनी है, एक कॉलेज मान लीजिए, कॉलेज ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, कॉलेज है, कॉलेज में क्या है, टीचर हैं, प्यून है, ठीक है, और उसमें क्या है, कंप्यूटर लैब हो गया हमारा, और पानी पीने के लिए आरो मशीन लगी हुई है, वाटर कूलर लगा हुआ है, सब क्या है, सब रिसोर्सेज में आएंगे। उनको अगर ऑर्गेनाइज करना है
तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन होना चाहिए ना एक दूसरे से। जैसे प्यून देख वाटर कूलर के बारे में देख रहा है, ठीक है, टीचर बच्चों को देख रहा है, प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है कि टीचर का और इन सबको प्यून्स के बीच में सबको मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, सबसे ये प्रिंसिपल कम्युनिकेट कर रहा है अगर, तो क्या कर रहा है, बिना कम्युनिकेशन को मैनेज नहीं कर पाएगा ना। तो कम्युनिकेशन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि आपस में आपसी तालमेल जो होता है, आपसी तालमेल बना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसमें भी कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, जैसे प्रिंसिपल एक हायर पोस्ट है, उसके नीचे हैं टीचर हैं, तो टीचर क्या करेंगे, अगर टीचर को उनको डायरेक्शन देना है, कुछ बताना है कि सॉरी प्रिंसिपल को टीचर को कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो उसमें क्या करेंगे, वो बिना कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे तभी समझा पाएंगे टीचर को। तो यही हो रहा है। तो डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स मतलब जो ऊपर के एम्प्लॉय हैं, नीचे वाले को कैसे समझाएं। टू मोटिवेट एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना है, मोटिवेट करना है, तो उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत लगेगी। फिर आता है टू क्रिएट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात ये होगी कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो एक होता है कि बस हम करते रहें, हमें कुछ पता नहीं क्या करना है। एक होता है कॉन्शियसनेस की उसके अंदर की जिज्ञासा को जगाना कि किस लिए कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो अगर वो कम्युनिकेशन के थ्रू उसके बारे में हम बताएं तो वो क्या ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। टू फिर है इलेवंथ पे टू ब्रिंग डायनेमिज्म। डायनेमिज्म क्या होता है कि ये गति मतलब कि जैसे कि क्या उसको बोले हम, जैसे क्या होगा कि एक होता है सुस्ती पकड़ के धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन एक कम्युनिकेशन थ्रू करके हम मोटिवेट किए तो क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ तो अंदर क्या होगा, वो एक तरीके से गतिशील होगा, वो काम को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें पहला हमारा आता है मैनेजमेंट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंसी मतलब क्या है कि कितना बढ़िया काम कर रहा है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, स्लो है कि फास्ट है, कि कम समय में कितना ज़्यादा काम कर ले रहा है, कि कोई काम करने के लिए ज़्यादा समय लगा ले रहा है। इसको मैनेज करने के लिए हमें अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा सकता है। फिर आता है सेकेंड पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, मान लेते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर लैब है, उसमें चार सिस्टम हमारे रखे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम चार पड़े हुए हैं। अब उन चार में हम चार सिस्टम में देख रहे हैं कि चार सिस्टम में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं या वैसे ही पढ़ा हुआ है। अगर वैसे ही पढ़ा हुआ है, उनका कोई यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ऑफिस में कहीं ज़रूरत है सिस्टम को, तो हम सिस्टम वहाँ पर लगवा देंगे ताकि जो उसमें क्लर्कियल वर्क है वो क्लर्कियल वर्क हो। तो ये रिसोर्स का मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे प्यून हो, चाहे मशीन हो, चाहे आरओ मशीन, चाहे वाटर कूलर, जो भी हो, उसको प्रॉपर उसको सदुपयोग करना। ऐसा नहीं कि फालतू में पैसा लगा के वहाँ पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसको सही ढंग से उपयोग करना है। किसके थ्रू हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर तुम्हारा थर्ड पे आता है गिविंग इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो बिना कम्युनिकेशन के हो ही नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने या लेने में हमें कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा उसी टाइम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना एक्सचेंज किए डेटा का, बिना इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज किए, बिना एक दूसरे से बात किए इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। फिर हमारा आता है फोर्थ पे पर्सुएशन। पर्सुएशन का मतलब क्या होता है कि जो थाट है तुम्हारा, ठीक है, जैसे जो भी तुम कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, एक एडवर्टीजमेंट बना दिया, या तो फिर कोई वीडियो दिखा दिया, कोई ऐसा कुछ दिखा के अपने जो तुम बताना चाहते हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, सामने वाला समझता है, या जैसे एक तरीके से नहीं समझ रहा है, तो उसको हम अपना तरीका पूरा हम एक्सप्लेन किए कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उस टाइम हम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है वार्निंग एंड अप्रिसिएशन। वार्निंग का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, क्लास में गलत बिहेवियर कर रहा है, तो उसको वार्निंग दिया जाता है कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है, ऐसे मतलब बिहेवियर सही नहीं है, तो ये एक वार्निंग हो गया। अप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया, अप्रिसिएशन मतलब कि कोई अच्छा कर रहा है, क्लास रेगुलर अटेंड कर रहा है, और जो है कि उसका सब्जेक्ट भी सारे नोट्स पूरे कर रहा है, और पढ़ने में भी अच्छा है, कि कभी क्लास मिस नहीं करता है, तो क्या होगा, उसको अप्रिसिएशन दिया जाता है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी दी जाती है, ठीक है, ये हो गया। फिर रहता है एसेंशियल मतलब कि जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज देना चाह रहे हो, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं हो उसमें, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है एडिकेसी ऑफ मैसेज। एडिकेसी का मतलब क्या होगा, पर्याप्त, जो भी मैसेज तुम दे रहे हो, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कि वो पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रहे, वो पर्याप्त होना चाहिए।
फिर क्या है कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो भी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो मतलब कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, ऐसा नहीं कि बीच में हम उस टॉपिक को छोड़िए कुछ कोई दूसरा टॉपिक उठा लिए। अभी बात चली थी जैसे पढ़ाई लिखाई की बात चली, फिर बीच में अचानक से बात करने लगी हम तुम्हें खेलने कूदने की, तो क्या होगा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी मैसेज की, ठीक है। फिर है फीडबैक। फीडबैक हमारा प्रॉपर है, अगर फीडबैक के थ्रू ही सेंडर समझ पाता है कि हमारा परफॉर्मेंस सही है या गलत है, इसलिए फीडबैक जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग रिसीवर, रिसीवर को भी समझना जरूरी है क्योंकि रिसीवर किस बैकग्राउंड से आता है, उसको कौन सी भाषा समझ रहा है, हो सकता है इंग्लिश ना समझ पाए, हो सकता है हिंदी में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना कि किस से है, किस स्टेज से, किस बैकग्राउंड से है, उसको समझते हुए अगर हम रिसीवर को समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, परामर्श, कि परामर्श करना, उसके लिए क्या होगा कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी है, परामर्श करना भी, विचार परामर्श करना भी बहुत ज़रूरी है। डिटरमिन मीडियम, मीडियम में क्या करेंगे हम कि हम ये पहले से पता करेंगे कि किस मीडियम का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे क्लास में क्या हो रहा है कि लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है हमें समझाना है व्हाइट बोर्ड पे, तो हम व्हाइट बोर्ड पे जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर थियोरेटिकल चीज़ें हमें पढ़ाना है तो हो सकता है हम प्रोजेक्टर का यूज़ करके पढ़ा दें, तो अपना मीडियम का चुनाव करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। टोन एंड कंटेंट, हमारा कंटेंट भी सही रहना चाहिए, कंटेंट के हिसाब से हमारा टोन भी रहना चाहिए। टोन का मतलब कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जो हमारा टोन है हाई होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत न पड़े वहाँ हमारा लो होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से हम अपने वॉइस का टोन रखेंगे। फिर टाइमिंग एंड टाइमलीनेस, टाइमिंग एंड टाइमलीनेस क्या है, टाइमिंग का मतलब हो गया कि जैसे 9 बजे से कॉलेज है, तो ये क्या हो गया 9 बजे का तुम्हारा ये टाइम हो गया, ठीक है। और टाइमलीनेस का मतलब अगर तुम डेली 9 बजे आ रहे हो, टाइम से आ जा रहे हो, तो ये तुम्हारा टाइमलीनेस मतलब समयबद्धता, कि तुम समय के एकदम पक्के, जैसे बोलते हैं ना कि समय के एकदम पक्के हैं, वो 9 बजे बोल दिए तो 9 बजे आ जाएंगे, ऐसा होता है टाइमलीनेस ये। फिर सपोर्ट विद एक्शन, इसमें क्या होगा कि जो तुम कर रहे हो, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे एक्शन में भी दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि तुम हो गए कि बोलो हम बहुत पढ़ते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम डेली कॉलेज जाते हैं, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तुम डेली लेट उठ रहे हो, डेली कॉलेज नहीं आते हो, तो क्या हो गया, इसको बड़बोला बोलते हैं ना, इसका आम भाषा में बड़बोला बोला जाता है, कि बोलना कुछ और है करना कुछ और, मतलब कथनी और करनी में फ़र्क, तो ये नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी से होना चाहिए, जो बोलो वो करो। फिर आता है लिसनिंग, लिसनिंग तो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो उससे ना तो आप फीडबैक दे पाएंगे, ना आप कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ना आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर 12th पे आता है एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जहाँ हम रहे हैं वहाँ का वातावरण क्या होना चाहिए, कि वहाँ का वातावरण विश्वसनीयता बनाने के, जैसे हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको ये विश्वास रहे कि हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे होंगे। फिर क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो उससे क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे ये टॉपिक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये पढ़ चुके हैं, अब इससे कहीं भी सभी कोई क्वेश्चन पूछे हम बता लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट पे आता है वर्बल। वर्बल में जैसे क्या हो गया, वर्बल में हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन देना इस तरीके से, देखो ये प्रेजेंटेशन हो गया, लेक्चर ऐसे हो गया। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, वीडियो कॉलिंग की जाती है, वो किस पर्पज़ से, प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए, जैसे ऑफिस में यूज करते हैं, जूम से वीडियो मीटिंग करते हैं, वो सारा हो गया, ठीक है। फ़ोन कॉल्स हो गया, मीटिंग हो गया, जैसे यहाँ मीटिंग हो गया, क्या है इसे फॉर्मल तरीका हम अपना रहे हैं। वर्बल में क्या हो जाएगा, जैसे हम बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस एक होता है, हम वीडियो कॉल करते हैं वो अलग होता है, व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक से दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक तो सेंडर रिसीवर रहेगा, उसके अलावा भी और लोग जुड़े रहते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जैसे जेस्चर एंड फेसियल एक्सप्रेशन। जेस्चर का मतलब क्या है कि आपका शरीर का हाव भाव क्या है, आप हाथ पैर कैसे हिला रहे हो, आपके चेहरे का हाव भाव क्या है, हंस मुस्कुरा रहे हो या मुंह आपका बना हुआ है, बॉडी लैंग्वेज जिसे को बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक इंटेंशनली होता है, एक अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब कि आप जानबूझ के हाँ सर हिला रहे हो, नाम हिला रहे हो, या हाथ से इशारा कर रहे हो। अनइंटेंशनली का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बिना मतलब का तुम मुस्कुरा रहे हो, देख के मतलब आप ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन कोई आपको बात याद आया तो मुस्कुरा दिए, सामने वालों को लगेगा कि ये मुस्कुरा दिया, मतलब मेरी बात मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, तो क्या हो गया, ये अनइंटेंशनली हो गया। जैसे आई कॉन्टेक्ट भी हो गया, जेस्चर, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर्सनल स्पेस है, पोस्चर हो गया, शरीर को कैसे रख रहे हो, झुका के खड़े हो, सीधे खड़े हो, फेसियल एक्सप्रेशन हो गया, फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये सब किस में आएंगे, नॉन वर्बल में आएंगे। फिर थर्ड पे आता है रिटर्न। रिटर्न में क्या हो जाएगा, कुछ हमें लिखना या कुछ प्रिंट करना, ठीक है, जैसे कुछ हम लिखें, या तो हम लिख सकते हैं कैसे,
कि हम लेटर लिख सकते हैं, हमने कॉपी पे कुछ लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, या तो हम उसको टाइप करें वो भी हमारे रिटर्न में आएगा, टाइप करके प्रिंट करवा दें। बुक्स हम अगर किसी बुक को हम लिखें, कोई पंपलेट है, ब्लॉग होता है, जैसे ब्लॉग देखे होगा ना, ब्लॉग के बारे में जानते होगे, ऑनलाइन ब्लॉग हो गया हमारा, चिट्ठी हो गई, लेटर हो गई, मेमोज हो गई, ये सब क्या है, मेमो, रिपोर्ट, पोस्ट कार्ड, ईमेल, ये सब क्या है, सब रिटर्न कम्युनिकेशन में, ये भी जो लिख रहे हैं ये क्या है, सब हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। फिर फोर्थ आता है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का सहारा लेके चीज़ों को समझाना। जैसे हम सहारा किसका ले लें, जैसे हम फोटोग्राफ का सहारा ले लें, या किसी हम ग्राफिक डिज़ाइन का सहारा लें, ड्राइंग का सहारा ले लें, स्केच का सहारा ले लें, ठीक है, चार्ट हम दिखा दें कुछ इस तरीके का चार्ट हम अगर ले लें, ठीक है, कोई चार्ट हम ले लें, उसके बाद क्या और क्या हो सकता है, ग्राफ हो सकता है हमारा, तो उससे क्या होता है, उसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को कन्वे करते हैं, बताते हैं। कोई साइन हो गया, देखो ये साइन रहते हैं ना रोड पे ऐसे बने रहते हैं, ये सब क्या है, हमारे कलर हो गए। इलेक्ट्रिक रिसोर्स में क्या हो गया, जैसे इंटरनेट या ई बुक का यूज़ कर लिया हम, प्रोजेक्टर का यूज़ कर लिया, वो सब क्या आएंगे, हमारे विजुअल हैं। जहाँ पे कोई वीडियो हम यूज़ कर लिया, कोई वीडियो हम प्ले करके आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहे हैं कोई टॉपिक, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब विजुअल में हो गए, ठीक है। फोर्थ पे फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि जो ऑफिशियल चैनल में वो करे आप बता सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो गया जो हम ऑफिशियल जगह पे यूज करते हैं। जैसे कॉलेज में टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लास में, तो क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वो ऑफिशियल होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसा हमें एक सिद्धांत है कि जैसा जहाँ पे टीचर हैं हमारे हमसे सीनियर हैं, जहाँ पे हमारे और बड़े एम्प्लॉय हैं हमसे सीनियर हैं, उनको उस तरीके से रेस्पेक्ट देना, उस तरीके से बात करना फॉर्मली। उसमें जैसे कि वहाँ पे जैसे क्लास में टीचर है, तो टीचर के सामने हम दोस्तों से दोस्ती की तरह बात नहीं करेंगे, फॉर्मली बात करेंगे, आराम से नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन जैसे बाहर बात करते हैं वो बात हम नहीं करेंगे। तो फॉर्मल तरीका होगा अपनाना होगा हमें, कि पूरी तरीके से फॉर्मल रहना। फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया कि जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली में हो गया, ठीक है, उसमें क्या हो गया, उसमें आपस में कैसे भी तुम तड़ाक करके बात करो, वहाँ पे कोई देखने नहीं जा रहा, कोई बोलने नहीं जा रहा, ये सब किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तुम लोग पीछे से धीरे से ऐसे मुँह लगा के बात कर लेते हो कि पीछे से कान में उसके बोल देते, ये कहाँ है, तो किस में आएगा, ये इनफॉर्मल में आएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बैरियर। बैरियर क्या है, बैरियर का मतलब क्या होता है कि बाधा, रोक, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर का मतलब हो गया कि जो हमारी भाषा है, बात है, जैसे कि इंग्लिश में टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें कई बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से, हो सकता है उनको हिंदी ना समझ में आती हो, ठीक है, अगर इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा रहा है तो कई बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड को उन्हें हिंदी इंग्लिश ना समझ में आए, तो क्या हो गया, ये लैंग्वेज भाषा भी हमारी क्या है, एक बाधा है इसमें। भाषा हमारी क्या होगी, बाधा होगी। उसके बाद फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो गया हमारा, साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब उसका मानसिक स्थिति क्या है। अगर किसी से तुम, हो सकता है किसी से जलन रख रहे हो, तो जो बताना चाह रहा है तुम्हें नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग शांत है तो अच्छा समझ में आएगा, तुम नर्वस हो, कहीं बोलना है जाके, जैसे स्टेज प्रेजेंटेशन देना है तो वहाँ जाके नर्वस हो जाओ, तो क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर, वहाँ तुम अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, तैयारी करके आए हो लेकिन तुम वहाँ नर्वस हो तो नहीं बोल पाओगे, तुम गुस्से में हो तभी भी नहीं सही से परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है, ये सारे किस्में हो गए, स्ट्रेस है, लोनली, ये सब किस्में हो गए, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये सारी मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हमारा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या हो गया कि कोई शारीरिक कमी है। शारीरिक कमी का मतलब जैसे सामने वाले कम सुनता हो, ठीक है, कम बोलता हो, या किसी को एकदम से न सुनाई दे रहा हो, ठीक है, एकदम से न सुनाई दे रहा हो, एकदम से कोई गूंगा है, नहीं बोल पा रहा है, तो जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं ये सब किस्में आएंगी, ये सब आएंगे तुम्हारी फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि दूरी, जैसे अभी हम, जैसे मान लो कि तुम किसी दूसरे कमरे में हो, हम किसी दूसरे कमरे में हो, हम यहाँ से अगर बोलना चाहें तो वहाँ आवाज़ बहुत कम जाएगी, तुम यहाँ से क्या पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तो बीच की जो दीवार है क्या है, वो फिजिकल बैरियर है। जैसे यहाँ समझाने के लिए देखो ये इमेज लिया गया है कि यहाँ पर ये लड़की है और यहाँ पर ये यहाँ से बोल रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको खड़े होकर टेबल के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे से बात करें, तो ये क्या है, डिस्टेंस जो है ये हमारा फिजिकल बैरियर है। फिर एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल मतलब क्या है कि जैसे कि हम कोई हमें टीचर पढ़ा रहा है, हम ये खुद से मान लें कि ये टीचर को कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा तो हमें खुद ही आता है, तो एक एटीट्यूड अपना बना के बैठे रहोगे तो हो सकता है कि टीचर को वो आता हो जो तुम्हें ना आता हो, तो उसमें क्या करोगे, तुम सीख नहीं पाओगे, मिस कर जाओगे। जैसे दोस्तों से बात करें उसमें भी एटीट्यूड दिखाओगे कि उसमें भी तुम्हें लगेगा कि जो कुछ है हम ही हैं,
तो सामने वाले को वैल्यू नहीं दोगे तो उसमें भी तुम्हारा कम्युनिकेशन खराब होगा। ये भी क्या है, तरीके का बाधा है। इसलिए एटीट्यूड को नॉर्मल रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एटीट्यूड को नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। 7 C's में हमारे जो है कौन कौन से आते हैं, क्लियर है, करेक्ट है, कम्प्लीट, कंक्रीट, कंसाइज और कंसिडरेशन और कॉटियस। अभी एक को देखते हैं। पहला हमारा क्लियर है, जो हमारा मैसेज है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाला आसानी से समझ पाए। उसमें क्या होना चाहिए, एक सिंपल आइडिया रखना होगा, एक से ज़्यादा आइडिया नहीं, एक बार में एक आइडिया पर डिस्कस करें या एक मैसेज में। फिर एक सिंगल गोल होना चाहिए, हमारा गोल भी कई सारा नहीं होना चाहिए, एक सिंपल गोल होना चाहिए। फिर आता है करेक्ट। करेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, कि जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जैसे हो गया कि ग्रामेटिकल मिस्टर नहीं होना चाहिए, ग्रामर जो है हमारा वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हमारे में होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पे आता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट का मतलब जो भी हम मैसेज कर रहे हैं आधा अधूरा ना हो, पूरा मैसेज हो, ठीक है। पूरा मैसेज रहेगा तो सामने वाले को डिसीजन लेने में ज़्यादा हेल्प करेगा, पूरा मैसेज रहेगा तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हमारा मैसेज पूरा होना चाहिए। फिर कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है कि ठोस या प्रभावशाली, मतलब जो भी हम बात बोलें या मैसेज दे रहे हैं उसका हमारा आधार सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करें, हवा में बात नहीं करना होना, ठीक है। अगर हम हवा में बात करेंगे या मैसेज हमारा जो भी प्रभावशाली नहीं है तो उसमें क्या होगा कि मिसकंसेप्शन बनता है, सामने वाला कुछ दूसरा समझ लेता है, हम बताना कुछ और चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारा आधार या मैसेज जो हम बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो हमारा ठोस होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। फिर कंसाइज आता है। कंसाइज का मतलब क्या होता है, लघु या संक्षिप्त रखना, जो भी हमारा मैसेज है उसको टू द पॉइंट रखना है, फालतू में उसको फैलाना नहीं है, ठीक है। और उसको लेंदी नहीं रखना है, जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, मतलब रिटर्न में यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस बिना मतलब हम लेंदी नहीं रखेंगे, इसे छोटा सेंटेंस रखेंगे, ये सब हमें ध्यान देना है इसमें। फिर हमारा 6th पे आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है, हम तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, जो रिसीवर बैठ कर सुन रहा है उसका ओपिनियन क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी माइंड सेट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सबको ध्यान देना। सामने वाले के बैकग्राउंड को सामने वालों को भी समझना है, उसको ध्यान देना कि उसे हम कितने लेवल तक बताएं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, उसका उसके लिए हम कैसा वर्ड यूज करें, कौन सा लैंग्वेज यूज करें, उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको हमें ध्यान में रखना है सामने वाले को। कॉर्टेस का मतलब होता है, हमारा 7th आता है कॉर्टेस। कॉर्टेस का मतलब होता है विनम्र या शालीनतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक रहना चाहिए। हमारा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, भावनाओं को आहत करने वाला ना होना चाहिए। किसी के फीलिंग्स हैं, उसका जो व्यू पॉइंट है उसको भी हमें ध्यान देना है, रिसीवर का जो फीलिंग है, जो उसका व्यू पॉइंट है, उसका ओपिनियन, उसको भी हमें ध्यान देना है। हमारा जो मैसेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि ऐसे सामने निगेटिव नहीं होना चाहिए, सामने वाला उससे निराश हो या हताश हो, मैसेज को हमें पॉजिटिव रखना है। तो ये फर्स्ट क्लास में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।